क्योंकि DDIF नहीं है, ये फिएट का 1.3 लीटर मल्टी जेट इंजन है। पहले वही मारुति था जो डीजल इंजन को प्रमोट करता था, अब ये वही मारुति है जो अब सिर्फ पेट्रोल इंजन को प्रमोट करता है। बॉडी रोल और राइड क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल मिडिल क्लास को ये कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं लगने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम वैभव और स्वागत है आपका एक बार फिर से SGA ऑटो ब्लॉग से एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उस गाड़ी के बारे में जिसने कॉम्पैक्ट SUV को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा बूस्टअप दिया था। अब आप बोलोगे इको स्पोर्ट से चालू हुआ था ना ये, तो 2012-13 में तो चालू तो वहीं से हुआ था, लेकिन जब तक मारुति उस पर अपना हाथ ना रखे, पैर ना रखे, तब तक वो सेक्टर बूम नहीं होता, ऐसा लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। तो आज की इस वीडियो में मेरे सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा ZDI प्लस 2017 वेरिएंट। 50,000 गाड़ी किलोमीटर चल चुकी है और ये गाड़ी मेरे दोस्त ने खरीदी है। कितने में खरीदी है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, बाकी गाड़ी की आपको कंडीशन बताता हूं और आप भी एक बार रेट कमेंट में बताना कि आपको कितना देना चाहिए इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर ले तो 2017 लास्ट की है एंड गाड़ी लॉन्च हुई थी 2016 में। तो आ जाओ इसके थोड़ा सा मैं डिटेल देता हूँ, बाकी इसको चला के देखेंगे कि वर्थ इट था जितने में ये लिया गया था। आइए सबसे पहले यहाँ पे हेडलैम्प के बारे में बात कर लें तो थोड़ा सा फॉग अप हो चुका है यहाँ पे, बाकी गाड़ी कंडीशन ठीक से। देखो अपना जो कोरबा छत्तीसगढ़ है रायपुर में बिना अभी वो दिल्ली वाली सिचुएशन नहीं आई है जहाँ 80,000 1,00,000 को सीधा 30,000-40,000 कर दें या इंजन में बहुत ज़्यादा फेर बदलाव कर दें, ऐसा वाला सिचुएशन अभी तक अपने यहाँ नहीं आया, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। ऑल दो रहता है पर भाई इस वीडियो में रहने क्या वाला है ये आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको गाड़ी के डिटेल्स दूंगा, इंजन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद चला के देखेंगे गाड़ी कैसी चल रही है 50,000 किलोमीटर के बाद में। बाय द वे गाड़ी ज़्यादा चली तो नहीं है क्योंकि एज अकॉर्डिंग टू डीजल गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ एंड की इसकी इस प्रकार की कुछ आती थी। एंड सबसे पहले हेडलाइट कंडीशन वगैरह के बारे में देख रहे थे, ये वाला चीज़ थोड़ा सा फॉगअप हो गया है, बाकी क्रोम वगैरह की क्वालिटी अभी भी बरकरार है, मतलब अच्छी है कहने का ये मतलब है। और वाइपर वगैरह सही है, यहाँ पे थोड़े सी दाग आ चुकी है शायद आपको दिख पा रहा होगा। बाकी अब बात कर लेते हैं टायर कंडीशन की, तो ये ZDI प्लस था इसलिए इसमें अलॉय आते थे एंड टायर इसमें ज़्यादा नहीं बचा है यार, मतलब 30% बचा होगा, 30% के आसपास। टायर साइज़ के बारे में बात कर ले तो 215/60 R16 के इसमें टायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। DDIS की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिरर में ही लाइट्स वगैरह मिल जाती थी, मतलब इंडिकेटर लाइट। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता था, यहाँ से इस प्रकार का इसका कुछ रियर लुक आता है एंड अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं भाई। यहाँ पे आपको ZDI प्लस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कैमरा भी देखने को मिल जाने वाला है एंड इसके हाइड्रोलिक स्ट्रट्स थोड़े से अटक रहे हैं, तो इतना मैनेजेबल रहता है यार अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लो। बाकी ये मैट वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, 3D मैट है शायद ये। और यहाँ पे भी लाइट दी गई है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वाला सीन मिल जाता है ये आपको। बाकी ये आप मारुति की गाड़ी है भाई, तो ये जो थोड़ी सी खड़खड़ाहट रहती है ना उस चीज़ को रोकने के लिए ये चीज़ को रखा गया है। एंड यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल सा मिल जाता है जिससे आप बंद कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार का था ये तो बस सही है, और ये थोड़ा सा वाइपर ब्लेड की स्थिति डाउन है और ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ से अब सीधा बात कर लेते हैं डोर पैनल वगैरह की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाने वाला है। ये क्रोम वगैरह की क्वालिटी अभी भी ना अच्छी खासी मेंटेन है, बाकी एक बार पूरा इंटीरियर का क्लीनिंग वगैरह करवा देंगे तो गाड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ और डोर लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं, 1 लीटर का बॉटल आराम से आ जाता है, 6-way का हाइट एडजस्टेबल आपको सीट्स मिल जाते हैं एंड जो मिरर्स के कंट्रोल है ना इलेक्ट्रिक वाले वो चीज़ यहाँ पे आपको दिए है। और ये आपके हेडलाइट लेवलर, ये आपके पार्किंग सेंसर्स और ये अपना AC वेंट ठीक ठाक सा साइज़ का है भाई। और यहाँ पे आपको प्रॉपर डेड पेडल भी देखने को मिल जाने वाला है, यहाँ पे छोटा सा कभी स्पेस है एंड इतना ही है यहाँ पर। यहाँ पे आपको फ्यूल लूट के लिए ऑप्शन मिल जाने वाला है, अलग से यहाँ पे बूट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपके इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और भाई अब अंदर से बात कर ले तो इस प्रकार का रहता है। बाय द वे गाड़ी में उस समय क्रूज़ कंट्रोल आना चालू हो चुका था और MID इसका कुछ इस प्रकार का दिखता है, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं, सही सा लगता है। बाकी यहाँ पे आप देखें तो 26 डिग्री सेल्सियस वगैरह मिल जाता है। ये ट्रिप है, ये आपका 54,000 गाड़ी चल चुकी है एंड माइलेज के बारे में बात कर लें तो 12.9 दिखा रहा है। आपको कितना माइलेज दिखा रहा है ना एक बार मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ही कम लगा। मैं सोचता था कि 17-18 के नीचे तो देती ही नहीं होगी, बट ये 12-13 दिखा रहा है, तो हो सकता है ये चीज़। एंड यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, शायद आपको पता चल पा रहा होगा। यहाँ पे आपको 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक AC और ये नॉर्मल सा स्टीरियो मैं बोलूँगा। इसमें कैमरा की क्वालिटी मैं आपको दिखा दूँ, सो
इस प्रकार का इसका रिवर्स गियर है और यहाँ पे आपको थोड़ी सी पंखे की आवाज़ आ रही होगी। एनी विच वेज, यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी अब देख लो मारुति का तो कैसा रहता है वो सब आपको पता ही है। ये देखो इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा, ये चीज़ है ना, यहीं पे बस दिक्कत होता है मारुति का। बाकी ये ठीक ठाक सा खुल जा रहा है। यहाँ पे आपको एसी वेंट भी मिल जाता है, ये वाला भी चीज़ अभी सॉर्टेड है। कुल मिला के ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ी सी प्लास्टिक यहाँ पे घिस चुकी है बट उतना मैटर नहीं करता। और यहाँ पे ये एडजस्टेबल दे दिए तो वो काफ़ी अच्छा है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया है। ये सब चीज़ में अपने को मारुति के बारे में देखना नहीं पड़ता जनरली। बट जो भाई देखो यार, ये सेफ्टी के मामले में भी उस समय से अच्छी चली आ रही है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है इस गाड़ी को। ऑल दो उतना विश्वास नहीं होता बट यार 4 स्टार है तो है, ग्लोबल एनकैप ने बोल दिया भाई। और ये देखो, ये थोड़ी चरचराहट आप समझ पा रहे होगे, तो ये चीज़ दिक्कत रहती है इसमें। फिर भी प्लास्टिक क्वालिटी ठीक ठाक है, इससे जो लोअर है ना, मतलब वैगन आर वगैरह तो ख़त्म ही करके रख दिया है। यहाँ पे देख ले तो आपको 3 kg का यहाँ पे आपको हुक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इस प्रकार का मिल जाएगा। 2 लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 2 कप होल्डर्स हैं। अब बात कर लेते हैं सीटिंग पोस्चर के बारे में, तो इस प्रकार का मेरा सीटिंग पोस्चर है, मेरा काफ़ी कंफर्टेबल इन एंड आउट लगा मेरे को। और यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है, लंबार सपोर्ट है, सही लगा। थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल एक लेवल और जा सकता था बट या मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है और बहुत ज़्यादा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे अपने को 300 में जितना कम्फर्ट मिलता है वो वाला लेवल का थोड़ा सा नहीं है, बट कोई भी मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास को ये कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं लगने वाला है। 2.5 बंदे बैठ सकते हैं या फिर आप चाहो तो 3 बंदे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक सा हम्प है यहाँ पे, तो उस प्रकार का है। बाकी सीट्स ना थोड़ी सी मेरे को पर्सनली हार्डर साइड पे फील हुई। एक होता है एकदम कुशनी सॉफ्ट सीट, वो चीज़ मेरे को उतना पर्सनली नहीं लगा, चाहे वो फ्रंट सीट हो चाहे वो बैक सीट हो। और 5'5" 5'6" के बीच में मेरी हाइट है, तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं इतना बता दिया, शायद उसमें भी काट दूँ और गाड़ी को सीधा आप चला के देख लेते हैं यार क्या स्थिति है गाड़ी की। तो यार इंजन बे के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था, तो इंजन बे को भी एक बार देख ही लेते हैं क्या स्थिति में है। बाय द वे मैं भी नहीं देखा, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड करके रखा गया है। और ये जो सुजुकी DDIS लिखा है ना, ये सुजुकी DDIS नहीं है, ये फिएट का 1.3 लीटर मल्टीजेट इंजन है। यही चीज़ आपको टाटा मांजा विस्ता में क्वाड्राजेट नाम से चलता था। और फिर जो मारुति के जो डीजल इंजन के बारे में जो लोग कहते थे ना कि मारुति का डीजल इंजन बहुत अच्छा है, तो भाई वो फिएट का 1.3 लीटर का इंजन है। इस पर थोड़ा सा वाइब्रेशन कंट्रोल ज़रूर किया गया है, बाकी इसका जो इंजन का बिहेवियर वगैरह वो मैं आपको बताऊंगा। पावर फिगर्स आपकी स्क्रीन पे देख ही सकते हो अभी आप। एंड यहीं पे इसका एयर फिल्टर रह जाता है, यहाँ पे इसका आई थिंक सो ये डीजल फिल्टर देखने को मिल जाने वाला है, ये आपका कूलेंट रहने वाला है, यहाँ से आपका इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर यहाँ से चेंज होने वाला है। बैटरी वगैरह कंडीशन अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और यहाँ पे इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो भैया अब गाड़ी को चालू करने की बारी आ चुकी है, तो क्लच दबा के एज यूजुअल चालू करते हैं। और तो भाई ये थोड़ी सी आपको रैटलिंग नॉइज़ यहाँ पे आने वाली है, बाकी थोड़ा ये जैसे ही गाड़ी को थोड़ा सा रेव करते हैं ना, वो आवाज़ पूरी तरीके से बंद हो जाती है, बस वो स्टैंड स्टील में आवाज़ आती है। एंड फर्स्ट गियर से उठाएंगे अपन एज यूजुअल, यहाँ पे आर्मरेस्ट को सही से वो कर ले। गाड़ी फ़िलहाल मेरे को कमांडिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है एंड हाइट एडजस्टेबल है, तो उसका भी फ़ायदा मिलता ही है ऑफ कोर्स। बाकी जो मैं पुंतो चलाता हूँ उसकी जैसे इंजन नॉइज आती है, तो वैसे ही इसकी भी आ रही है। एंड 1800-2000 तक कहीं से कहीं तक भी पुल करता ही नहीं है। बाकी यार गाड़ी का पता ही है हम लोग को, ये 1.3 का बहुत एक गंदा आदत है। इसका क्या गंदा आदत मैं बोलूँ, फिएट का ही वो दिक्कत है, वो 1800-2000 तक खींचेगी ही नहीं, लेकिन उसके बाद एक बार जैसे ही ये किक इन किया, अलग से पुशअप आपको फील होता है, तो गाड़ी वैसा ही लग रहा है यहाँ पे। ये जो इंजन है, इस चीज़ को मैं हैचबैक एकदम मतलब हॉट हैच में चलाया हूँ, और क्या ही इंजन का परफॉर्मेंस है। बस ये है कि आपको 2000 के ऊपर रखना पड़ता है, वो एक इशू आप बोल सकते हो। एंड जो क्रूजिंग के बारे में बात कर लेना, इस गियर इस इंजन के बारे में, तो वो पर्सनली काफ़ी अच्छा है। 80 से 120 तक आप 5th गियर में भी क्रूजिंग कर सकते हो। फिलहाल 4th गियर में 80 तक गया था एंड हवा भी नहीं लगा। बाकी बॉडी रोल मेरे को फील हुई यार अच्छी खासी, मतलब स्कॉर्पियो वाली तो नहीं है इसमें बॉडी रोल ऑफकोर्स, बट फील हो रही है थोड़ी सी बॉडी रोल यहाँ पे, क्लियरली है वो चीज़। एंड
हैंडलिंग एज सच मारुति का शुरू से ही कुछ खास रहा नहीं है, बट एज सच बहुत बेकार नहीं बोलूँगा मैं। इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है ये तो ठीक है भाई उस हिसाब से। एंड या विजिबिलिटी वाइज मेरे को फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है एज सच, ब्लाइंड स्पॉट मेजर ब्लाइंड स्पॉट नहीं लगा। एंड ब्रेकिंग के बारे में बात कर ले तो ठीक है, ब्रेकिंग वगैरह सही लग रही है। यहाँ अंदर तो यहाँ क्या करने के लिए, बाकी एक बार टर्निंग रेडियस के बारे में बात कर लें तो टर्निंग रेडियस तो सही है इसका, छोटे से जगह मुड़ जाएगी, लेकिन वो जो बॉडी रोल वाला जो कॉन्सेप्ट है बोलो या प्रॉब्लम बोलो वो चीज़ है। बाकी 2000 जैसे ही टच करती है भाई ये गाड़ी, मतलब पूरी गोली है गोली, 2000 बस टच करने की इसकी देरी रहती है, उसके बाद देखो ये क्या क्या जलवा दिखाती है, ऐसा वाला सीन है। फिलहाल मारुति डीजल इंजन बंद कर चुकी है तो वो एक मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट, मेरे लिए क्या लोगों के लिए अच्छी खासी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि वो स्विफ्ट वाली डीजल, स्विफ्ट में भी डीजल इंजन देता था, अर्टिगा में भी डीजल इंजन देता था, कमर्शियली लोग बहुत फ़ायदा उठाए हैं उस इंजन से। फिलहाल तो अब सब में पेट्रोल कर दिया तो क्या ही बोलने, उसके पहले वही मारुति था जो डीजल इंजन को प्रमोट करता था, अब ये वही मारुति है जो अब सिर्फ पेट्रोल इंजन को प्रमोट करता है। ऑल दो डीजल इंजन में काफ़ी सारे फेर बदलाव हुए हैं, BS6 के बाद एडब्लो वगैरह डालना पड़ता है तो उसकी रेट कॉस्ट भी अच्छी खासी बढ़ गई है, वो चीज़ है कंसर्न बोल सकते हो। बाकी थोड़ी सी खींचे हैं फोर्थ गियर में, 2500 RPM में 100 ऑलमोस्ट टच, काफ़ी अच्छी तरीके से पुल अप करते हुए 100 टच कर लिया हो 3000 RPM पे। और राइड मेरे को थोड़ी सी स्टिफ लग रही है क्योंकि रोड्स में थोड़ी सी एंडुलेशन है ना, तो जैसा जैसा रोड से वैसा ही फील हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया, कहने का ये मतलब है एंडुलेशन आपको फील होंगे यहाँ पे। एंड ये एज यूजुअल हमारा सुनालिया पुल, सेकंड गियर में उठाने की कोशिश करें तो उठ जा रही है। रिवर्स कैमरा आप देख ही सकते हैं किस प्रकार का है, वैसे इसको दिखा दिया था बट अगेन स्टेयरिंग सॉफ्ट है यार, अच्छा है, मतलब बेकार नहीं है, बैलेंस्ड है जीरो स्पीड्स पे भी। एंड 2000 के बाद तो मतलब क्या ही कहने, मैं 3-4 बार उसी चीज़ को बोल लिया, लेकिन वो जो है ना फिएट का 2000 के बाद जो किकिन मिलेगा वो एक अलग लेवल पर रहती है। बाकी है बॉडी रोल, ये दो ही चीज़ है बस आपको मेजर कंसर्न में रखना है, बॉडी रोल और राइड क्वालिटी थोड़ी सी स्टिफ रहेगी। बाकी सेकेंड हैंड में जा रहे हो तो आँख बंद करके जा सकते हो, भाई ने जो प्राइस पे किया था वो था 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए में ये चीज़ मिला है, 54,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, तो आपको वर्थ इट लगा कि नहीं लगा ये थोड़ा सा बताना। कोरबा को दिल्ली वाली रेट से कंपेयर मत कर लाना यार, वहाँ तो आपको 5.5-6, 6.5 मिल जाएंगे, बट आपको क्या लगता है ये रेट सही था इस गाड़ी के लिए आप बताना। थोड़ी मोड़ी तो सेकेंड हैंड गाड़ी है तो कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, हल्की फुल्की रेटलिंग नॉइज भी अभी मेरे को सुनने को आया, बट उतना मैनेजेबल रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर सेकेंड हैंड गाड़ी मतलब जब उतना मैनेज नहीं कर पाते हो नए ही ले लो भाई, ऐसा रहता है मेरा तो। बाकी इस प्रकार से था यार आज का वीडियो, अगर आपको भी कुछ ओनरशिप एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना हो अपने साथ तो ईमेल आईडी आपके सामने आ ही रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट DM कर लो, जो करना है कर लो बट कॉन्टैक्ट कर लो। कोरबा छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, कहीं पे भी बोलो हम आ जाएंगे अपने हिसाब से, मतलब आपसे कॉन्टैक्ट करके आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, AC तो अभी फिलहाल अच्छा चल रहा है, ऑटोमेटिक AC है। एंड मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और हाँ यार